हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ आगे के टॉपिक्स में पहुंचते हैं। हम वेक्टर स्पेस क्या है और वेक्टर स्पेस को चेक कैसे करते हैं ये हम सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है और इसको कैसे चेक करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज हम जानेंगे बस कि सब स्पेस क्या होता है। जैसे हम ग्रुप थ्योरी में ग्रुप का सब ग्रुप पढ़ते हैं, वैसे ही लीनियर में हम वेक्टर स्पेस का वेक्टर सब स्पेस पढ़ते हैं। तो ये कोई अलग से नहीं आता है, पहले वेक्टर स्पेस होता है और उसी से ही उसका ही कोई सबसेट हो जाता है, वो या तो सब ग्रुप हो जाता है ग्रुप थ्योरी में, और यहाँ पे हो जाता है सब स्पेस। तो देखते हैं। तो देखिए, सब स्पेस जैसा मैंने कहा वेक्टर स्पेस का ही कोई सबसेट होगा। तो कैसे होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले वेक्टर स्पेस को ही चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट वी कोई भी वेक्टर स्पेस हमारे पास है, वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस है तो कोई फील्ड पे होगी, तो हमने कहा ओवर एफ पे है, और इस वेक्टर स्पेस का डब्लू कोई सबसेट है। तो वी हमने कहा वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, एंड हमने कहा डब्लू कोई सबसेट है वी का। अगर डब्लू जो है वो खुद ही से क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए, किस पर, सेम ही फील्ड पर, यानी कि जिस पर वेक्टर स्पेस फील्ड में है सब स्पेस, यानी कि जो उसका सबसेट है डब्लू, वो भी उसी फील्ड पे ही काम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई हम अलग फील्ड की बात करेंगे। तो वी अगर ओवर एफ पे हमें दिया है, तो हमने कोई उसका सबसेट उठाया डब्लू, वो अगर खुद से भी वेक्टर स्पेस बनाता है और सेम ही फील्ड पर बनाता है, और सेम फील्ड के साथ साथ अगर हम कहें, यानी कि सेम फील्ड तो होनी ही चाहिए, अगर हम कहें, अगर वो इंटरवल की बात की जाए, अगर हम रियल में पहुँचे तो सेम इंटरवल की, अगर जिस इंटरवल पर वेक्टर स्पेस की बात की गई है उसी इंटरवल पर यह बात होनी चाहिए सब स्पेस में। एंड और उसके साथ साथ, क्योंकि वेक्टर स्पेस में हम एक्सटर्नल कंपोजिशन की भी बात करते हैं, तो सब स्पेस में भी वही सेम एक्सटर्नल कंपोजिशन भी रहनी चाहिए, ये नहीं कि वो चेंज हो जाए। तो सारी बातें वेक्टर स्पेस वाली ही रहें, और वो डब्लू जो उसका सबसेट सेट है, वो हम फाइनली तब हम कह देंगे कि देन डब्लू इज कॉल्ड सब स्पेस। यानी कि ये जो डब्लू खुद से वेक्टर स्पेस बना है ओवर द सेम फील्ड, और अगर सेम इंटरवल है तो, और एक्सटर्नल कंपोजिशन भी सेम रहनी चाहिए, तब हम कह देंगे कि डब्लू जो है वो सब स्पेस कहलाएगा। किसका, V का। और किससे डिनोट कर देते हैं हम सब स्पेस को, सब स्पेस को डिनोट करने का तरीका होता है W सब स्पेस है B का, कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, यानी कि एक सबसेट ही होता है, बट सेम फील्ड होनी चाहिए, सब को सेम रहना चाहिए V जैसा, यानी कि वो भी वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को फॉलो करें, वेक्टर स्पेस खुद से भी बनाए, तब जाके हम कह देंगे कि वो सब स्पेस है। और इसको चेक कैसे करते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें हम सब स्पेस को ही सीमित रखते हैं।